लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की पहली बड़ी बैठक जारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग को संबोधित। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर बंद। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल। बीजेपी में असंतोष की खबरों के बीच पार्टी नेताओं का महामंथन जारी है। बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री संजीव बालियान, विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत कई नेताओं में नाराजगी, असंतोष और भीतरघात की कही बात। यूपी सरकार ने देर रात 11 आईएएस अफसरों का तबादला किया। अयोध्या, औरैया, सोनभद्र, देवरिया और बदायूं के डीएम बदले गए। चंद्र विजय सिंह अयोध्या के नए डीएम होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में वर्षा बंगले पर पहुंचकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों ही राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाकर विकास की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वहां मौजूद रहे। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेडीयू की हार। पार्टी नेता नीरज कुमार बोले, रुपौली में हार की होगी समीक्षा। बिहार के रुपौली उपचुनाव परिणाम पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा हार के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा, हार के हर बिंदु पर विचार किया जाएगा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की हुई है जीत। उपचुनाव में शंकर सिंह ने जेडीयू आरजेडी दोनों पार्टियों को दी है शिकस्त। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की ऑडी कार पुणे पुलिस ने जब्त की है। पूजा खेडकर ने दो दिन पहले इसी ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का भरा था जुर्माना। पुणे पुलिस की तरफ से पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जरिए पूछा गया कि क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए पिस्तौल का लाइसेंस। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में पूरा पानी जमा हुआ है। पानी में तैरती दिखी मछलियां। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ और बारिश का कहर। मेडिकल कॉलेज में पानी भरा, जिला अस्पताल झील बना। पानी में डूबे इमरजेंसी ओपीडी वार्ड्स। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। शाजापुर में बाढ़ से डूबा मेडिकल कॉलेज, चारों ओर पानी ने जमाया हुआ कि डेरा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाहर निकलने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लिया। यूपी के शाजापुर के ज्यादातर इलाकों में खन्नौत और गर्रा नदी ने तबाही मचाई। शहर के अंदर तक पानी घुसा। अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर कमर तक पानी। ट्रैक्टर और ट्राली के सहारे लोग। आवास विकास कॉलोनी में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों पर ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हुए लोग। लाखों का सामान पानी में डूबने से बर्बाद हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने छलका पीड़ितों का दर्द। लोगों ने बयां की आप बीती बाढ़ बारिश से लाखों का नुकसान। कुछ जगहों पर पानी भरने से घर की छतों पर रहने को लोग मजबूर हैं। लाखों का कीमती सामान बाढ़ की भेंट चढ़ दिया गया। लोगों ने प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कहा नाव की भी व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। शाहजहांपुर में बाढ़ से बुरे हाल। लोगों के घर पानी में डूबे। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी भरा हुआ है पानी। राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ का कहर दिखाई दिया। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा के राप्ती का जल स्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। शहरी इलाकों में पानी उतर किया गया। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव अब भी डूबे हुए। राप्ती नदी में बढ़ते हुए जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जलस्तर घटने से भी नहीं मिली राहत। सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर स्थित कंपोजिट विद्यालय जलमग्न। खतरे के निशान के पार पहुंचा नदियों का जलस्तर। लोगों की मदद के लिए उतरी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी के बदायूं से बाढ़ की अनोखी तस्वीरें सामने आई। बदायूं में हुई शादी की हो रही है चर्चा। बाढ़ के चलते नाव और बैलगाड़ी से हुई दुल्हन की विदाई। इटावा में भी अंडरपास में जलभराव की समस्या। पानी में फंसी यात्रियों से भरी रोडवेज की बस। बस के अंदर पानी भर गया। करीब 20 यात्रियों की सांसें वहां पर अटकी रही। बामुश्किल सभी को बाहर निकाल लिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही राप्ती नदी।
करीब बाढ़ से 250 गांव पानी में डूबे, 1,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, लोगों के लिए मोटरबोट का इंतजाम। उन्नाव में बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रहा है गंगा का पानी, आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचा नदी का पानी और तटीय इलाके में रहने वाले लोगों की बढ़ी हड़कंप। यूपी के गोंडा में बाढ़ के चलते दुल्हन को नाव से विदा कर लाया दूल्हा, गोंडा में बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव पानी में डूबे, बाढ़ के बीच हो रही लोगों की शादी। बरेली में भी बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ की वजह से चारपाई से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया, किसानों के हजारों एकड़ फसल पानी में समाई। बिहार के बेतिया में नेपाल में हो रही बारिश का असर, गंडक बैराज से छोड़ा गया 3,00,000 क्यूसेक पानी, निचले इलाकों के कई गांव पानी में डूबे। माया नगरी मुंबई में मॉनसून की बारिश का कहर दिखाई दिया, भारी बरसात की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या, अंधेरी सबवे में पानी भर गया, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या। मुंबई में लगातार हो रही बारिश, दहिसर इलाके में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को पानी भर जाने से हो रही दिक्कतें, आवाजाही में परेशानी। मुंबई के बांद्रा में जोरदार बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं, पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा, रिंग रिंग कर चलती गाड़ियां दिखाई दी, मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आज भी बारिश का अलर्ट। असम के मोरीगांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई लोगों का जीवन प्रभावित, असम के मोरीगांव से बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, 26 जिलों के लगभग 14,00,000 लोग प्रभावित। राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद संथली समेत छोटे बड़े नाले उफान पर आ गए हैं, कई गांव पानी के घेरे में हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव, शहर में जलभराव से आवागमन में हो रही दिक्कतें, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के चंपारण में गंडक बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घरों में पानी घुसा के कई गांव जलमग्न हुए। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एहतियातन भारी वाहनों को रोका गया, प्रशासन के मुताबिक भारी वाहनों के लिए 1 से 2 दिनों में बहाल होगी सामान्य स्थिति। देश के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश की संभावना, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है बारिश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। आज लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज देश के पूरब से लेकर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हो सकती है वर्षा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान। आज मुंबई के रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट, ठाणे और मुंबई में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान, 11 जुलाई से तेज हुआ मानसून का असर। आज केरल के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश के 9 अन्य जिलों में बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी। नेपाल में लैंडस्लाइड के चलते नदी में पलटी 2 बसें के बाद रेस्क्यू का काम चल रहा है, बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू का काम मुश्किल हुआ। लैब में तैयार हीरो से सूरत के हीरा व्यापारी ने तैयार करवाई पीएम मोदी की छवि, 2 बार फेल होने के बाद 25 कारीगरों ने तैयार किया, पीएम मोदी को गिफ्ट की जाएगी इको फ्रेंडली हीरे से बनी तस्वीर। अनंत राधिका की शादी के बाद आज रिसेप्शन का दूसरा दिन है, मंगल उत्सव में शिरकत करेंगे देश के कई दिग्गज, जियो वर्ल्ड सेंटर में ही हो रहा है ग्रैंड रिसेप्शन, शुक्रवार को शादी हुई। अनंत और राधिका के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए देश विदेश के कई दिग्गज, पीएम मोदी भी ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हुए, पीएम मोदी ने नवविवाहित अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। शाही शादी में शामिल होने पर पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, एक्स पर लिखा स्वघोषित देवत्व अब शादी में है, शादी इतने चरणों से गुजरी है कि लगता है चुनाव आयोग ने तय किया हो शादी का पूरा कार्यक्रम। शाही रिसेप्शन में द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी, सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी शामिल हुए, अंबानी परिवार ने स्वागत किया।
शादी में उपस्थित संतों ने अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया। अंबानी परिवार ने सभी का स्वागत सत्कार किया। अमिताभ बच्चन से भी संत मिले। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां दिखाई दिए। अमृतसर से हावड़ा जा रही ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। जानकारी मिलते ही ट्रेन ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। समय रहते आग को फैलने से रोका। अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास की घटना। आग लगने की जानकारी मिलते ही अमृतसर हावड़ा ट्रेन के यात्रियों में अफरा तफरी मची। कुछ यात्रियों ने बचने के लिए छलांग भी लगाई। कई यात्रियों को चोट लगी। ओडिशा के कटक में अस्पताल में आग लगने से हड़कंप। मरीजों को तीसरी मंजिल से दमकल कर्मचारियों ने निकाला। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह साफ।